चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। एन अनचार्ज कैपेसिटर विथ अ सॉलिड डाइलेक्ट्रिक इज कनेक्टेड टू अ सिमिलर एयर कैपेसिटर चार्ज टू अ पोटेंशियल ऑफ वी नॉट। इफ द कॉमन पोटेंशियल आफ्टर शेयरिंग द चार्जेस बिकम वी, देन द डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द सॉलिड डाइलेक्ट्रिक मस्ट बी। अच्छा, सबसे पहले क्या कह रहा है, एक इसमें अनचार्ज कैपेसिटर है जिसमें डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट वाला एक डाइलेक्ट्रिक लगाया गया सॉलिड, और उसको कनेक्ट किया गया सिमिलर एयर कैपेसिटर, सिमिलर एयर कैपेसिटर चार्ज टू अ पोटेंशियल वी, यानी पहला वाला जो जिसमें डाइलेक्ट्रिक लगा हुआ है वो अनचार्ज है, और दूसरा वाला जो कि चार्ज है उसमें एयर है, और सिमिलर वर्ड यूज कर रहा है कि ये दोनों सिमिलर हैं, बस डिफरेंस क्या होगा दोनों में। अच्छा, सिमिलरिटी क्या होगी दोनों में, सिमिलर होने का मतलब है दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस डी होगी और दोनों प्लेट का जो एरिया होगा वो ए होगा। डिफरेंस क्या है, ऊपर वाले में यानी पहले वाले में डाइलेक्ट्रिक लगा हुआ है यानी इंसुलेटर लगा हुआ है बीच में, दोनों प्लेट के बीच में, और इस दूसरे वाले में एयर है। तो अगर एयर है तो, और इसमें जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो इसका कैपेसिटेंस क्या होना चाहिए, के इंटू सी होना चाहिए अगर इसको पहला माना जाए, और इसका कितना होना चाहिए, सी टू इज इक्वल टू सी होना चाहिए। अगर इसका सी है तो इसका ऑब्वियस बात है के इंटू सी, बाकी सारी चीजें सेम है तो सिर्फ डाइलेक्ट्रिक की वजह से के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी कैपेसिटेंस। अच्छा, दूसरा ये अनचार्ज है, ऊपर वाला जिसमें डाइलेक्ट्रिक लगा हुआ वो अनचार्ज है लेकिन नीचे वाला चार्ज है, करेक्ट है। तो कॉमन ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वी नॉट है, नीचे वाले का जिसमें एयर है, बोल रहा है ना, यहाँ देखो पोटेंशियल वी नॉट है, और ये अनचार्ज है तो इसका कोई पोटेंशियल होगा नहीं, ठीक है। तो कॉमन पोटेंशियल कह रहा है आफ्टर कनेक्टिंग, जब शेयर हुआ चार्ज कनेक्ट करने के बाद ही तो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो आफ्टर एक कॉमन पोटेंशियल पे चार्जेस का मूव करना रुक जाएगा। तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, कॉमन पोटेंशियल इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल कैपेसिटेंस, टोटल चार्ज की वैल्यू Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। टोटल चार्ज कितना होगा, ये अनचार्ज है तो इसमें तो जीरो ही होना है, दूसरा वाला चार्ज है तो Q2 की वैल्यू क्या होगी, C2 इंटू V2, C2 की वैल्यू कितनी है, C इंटू V2 की वैल्यू क्या बोला है, V0, ठीक है, Q2 की वैल्यू हो गई, करेक्ट है। तो ये हो गया सी वी नॉट अपॉन पहले वाले का कैपेसिटेंस कितना है, के इंटू सी, प्लस दूसरे वाले का कैपेसिटेंस कितना है, सी है, तो वी कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ गई, सी वी नॉट अपॉन सी कॉमन ले लो, ब्रैकेट में के प्लस वन आया, सी से सी कटा, वी नॉट अपॉन के प्लस वन हुआ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके के की वैल्यू निकाल लो, देखो यहां से निकालते हैं, के प्लस वन इंटू वी इधर कर दो, वी नॉट अपॉन वी आ जाएगा, के इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन वी माइनस वन, वी नॉट माइनस वी अपॉन वी हो जाएगा के की वैल्यू, वी माइनस वी अपॉन वी, यही तो लग रहा है डी वाला ऑप्शन, तो डी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।